बनने के लिए कई साल तड़पी अमृता राव का खुलासा फेल हो गई थी। सरोजगी खो चुकी है एक बच्चा। एक्ट्रेस अमृता राव और आरजे अनमोल ने साल 2014 में शादी रचाई थी और 2020 में पहले बच्चे का वेलकम किया। दोनों ने बेटे का नाम वीर रखा। हाल ही में अमृता राव ने अपनी प्रेगनेंसी, आईएसयू प्रोक्सी और प्रेगनेंसी स्ट्रगल पर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने माँ बनने के लिए तमाम चीज़ों के सहारे लिए और कितने साल के लिए तड़पी है। बच्चे के चाहत में उन्होंने देर दर की ठोकरें खाई लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाई। आखिरकार कैसे बेबी कैसे हुआ और कैसे मुश्किलों का सामना दोनों ने किया, ये सारी बातें अनमोल और अमृता राव ने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है। वहीं अमृता राव ने पति अनमोल भी इस स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो गए। अमृता राव ने यूट्यूब चैनल कपल ऑफ थिंक प्रेगनेंसी स्ट्रगल पर बात की है। उन्होंने अपने दर्द के सहारे एक मां बनने की जर्नी को शेयर किया। वह बताती है कि उन्होंने 3 साल तक कई गायना के चक्कर लगाए। मां ने बनने के बाद उन्होंने आईएससी, उन्होंने तनाव भी हुआ। उन्होंने अपने डॉक्टर का जिक्र करते हुए आईएससी के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि यह आईएससी नहीं है, इस प्रोसेस के जरिए हमने कई आईएससी किए हैं लेकिन हमें कोई गुड न्यूज़ नहीं मिली है। और दोस्तों इस वीडियो पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर कहें। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ऐसी और अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।